अनजाने में तूने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया। अगर तू अभी उसे सॉरी बोलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी करेंगे, वरना ऐसी पिटाई करूंगा कि इतनी दवाइयां भी कम पड़ जाएंगी। अब जल्दी बता दे, तू आखिर चाहता क्या है? पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई? हे, उधर अपन तेरे एरिया में था, इसलिए तेरा इज्जत रखने के लिए अपन तेरे को छोड़ दिया। लेकिन ये अपन का एरिया है, ये बच्चा लोग बोलता कम है, मारता ज्यादा है। जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है वो हिरन होता है, लेकिन जो भगा कर शिकार करता है वो जानवर शेर होता है। ये बात तेरे भेजे में फिट हो जाएगी। पहले बता, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई? जाने, अच्छा हुआ बियर और दवाई दोनों साथ मिलाया है। बियर अपन के काम में आएगा और दवाई तेरे। चल चलो हो जाने। ताड़ मत रे, ये मेरा स्टाइल है। किसी ने हाथ लगाया तो हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। जल्दी बताओ, पार्टियां पिटाई, पार्टियां पिटाई, पार्टियां पिटाई? मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। येड़े, सॉरी सिस्टर। कॉम्प्रोमाइज करेगा या नहीं? ब्रो, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अबे डरता क्या है? ये इतना मारेगा कि पानी भी नहीं मांगोगा। तुझे पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं किया था। तुम जाओ, गड्ढे में गिरो, मैं चला। सॉरी सिस्टर। कॉम्प्रोमाइज करूंगा मैं। कॉम्प्रोमाइज भाई, कॉम्प्रोमाइज। मैं दवाइयां लेकर आया हूं ना, अपनी की यूज कर रहा है। ये पीपी का दवाई है ताकि गुस्से में तुझे मार ना डालूं। ऐसा है तो दो ले ले। दो काई को? ताकि तू मर ना जाए। इतना मार खाने से अच्छा कॉम्प्रोमाइज कर दूं ना। अबे करना तो मुझे भी है, लेकिन इसको गिनती किधर आती है? हम लोग टोटल 10 लड़के लोग हैं और ये बाटली लाया नौ। भाई आज हम बराबर बाटली में उतरे हो। तेरी बाटली की तो तेरा हो गया ना। सॉरी सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर। तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स, लेकिन ये मत सोचना कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ या तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। बाय। ये एमबीए हो रहा है। आज एक और बाबा जेल में गया। ओके, रेडी। क्या हुआ बेटा? ये पूछो क्या नहीं हुआ। हर बार इसकी वजह से मुझे तुम्हें सीरियसली लेना पड़ता है। बताओगे भी क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर 8% इंटरेस्ट पे मैंने एजुकेशन लोन उठाया एमबीए की फीस भरने के लिए, और कॉलेज जाकर ये क्या गुल खिलाता है पता है तुम्हें? बताना। इसमें बताना क्या है? मुझे एक लड़की पसंद है, उसे बता रहा हूँ तो इन्हें जलन होती है। सच में? बस कह रही हो, ये कोई मजाक चल रहा है? जो मुँह में आए बके जा रही हो क्या रे? तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि तू एक लड़की को पटा रहा है? इसमें शर्म कैसी? लड़के लड़की को पटाएंगे नहीं तो अगली नस्ल कैसे पैदा होगी? ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी लड़के को पटा रहा हूँ। अपनी बकवास बंद कर और भूल जाओ उस लड़की को। माँ को भूल जाइए। अरे ए, हमारी शादी हुई है, इसके साथ फेरे लिए हैं। मैं भी फेरे लूंगा। आपको शादी के बाद प्यार हुआ, मुझे शादी से पहले हो गया। मुझे ये सब पसंद नहीं। तू उस लड़की से प्यार करना बंद करेगा या नहीं? नहीं करूंगा। आपके लिए इंजीनियरिंग करो, आपके मुताबिक शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, सब आपके लिए करूंगा तो अपने लिए क्या करूंगा?
आप मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, कल मैं गुस्से में अपने बच्चों से यही कहूंगा कि ये करो वो करो, मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो ताकि मेरे बच्चे भी सुख से जिए। मेरी बात तुझे चुभ रही है ना? लड़की का बाप जब तेरी हड्डी पसली तोड़ने के लिए गुंडे भेजेगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। वैसे रहता कहाँ है लड़की का बाप? रोड नंबर 21 हाउस नंबर 42/3 जुबली हिल्स हैदराबाद। तुझे क्या लगा मैं उसके घर तेरा रिश्ता लेकर? बाइक की चाबी। सॉरी सर, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा खून ऐसा निकलेगा। कौन तुम? कहाँ से निकला खून? मैं वही तो बताने आया हूँ, मुझे बस दो मिनट दीजिए। आपका खून कितना पाक है लेकिन मेरे खून में ये मिलावट क्यों? तुम हो कौन और कैसी मिलावट? वही तो बताने आया हूँ, मुझे बस दो मिनट दीजिए। मेरी चड्डी घिस गई उसे फुल पैंट पहनाने के चक्कर में। वो सब छोड़ो, तुम हो कौन और तुम्हारी चड्डी फुल पैंट से मुझे क्या लेना देना? वही तो बताने आया हूँ, मुझे बस दो मिनट दीजिए। 8% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन उठा के मैंने उसके MBA की फीस भरी। आपने भी लोन उठाया होगा आपकी। आहा, सुंदर सुशील संस्कारी, मान गया बेटा। अरे क्या मान गए, चाहते क्या हो? सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे पर यहाँ आए क्यों थे? लव यू राजा। अरे ए, ये अमावस वो चांद का टुकड़ा। कंटिन्यू बेटा। सुनिए, आप उनके घर गए थे ना, लड़की कैसी है? वो लड़की नहीं, देवी का रूप है। सुन ले, आगे से जब भी मेरा बेटा कॉलेज जाए उसे नहला धुला कर दंत मंजन करा के पाउडर लगा के स्त्री टाइट कपड़ों में भेजना। ये मेरा बेटा है, तेरा है कि नहीं पता नहीं। सुन ले, MBA में पास हो या ना हो, लव लाइफ में पास होना पड़ेगा, तब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक होगी। खर्चा हो तो मैं और लोन ले लूंगा, लेकिन अगर वो नहीं पटी तो मैं तुझे पटा दूंगा। आपको लगता है इतनी सुंदर लड़की हमारे बेटे से प्यार करेगी? बिल्कुल, इतिहास गवाह है, खूबसूरत लड़कियां हमेशा गधों से ही प्यार करती हैं। यही रूल है, उस रूल के मुताबिक वो इस गधे से प्यार करेगी। बेटा, तेरा बाप तुझे आशीर्वाद देता है, पैर कौन पड़ेगा? एक बार उस लड़की से तेरी शादी हो जाए फिर मैं तेरे पैर भी पड़ूंगा, प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। कुछ भी कर, पर उस लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आ, वो नहीं तो कोई और नहीं। हाय मेरा प्यारा बच्चा, रोचो बेटा। माय मदर प्राउडेस्ट। बुटकी। क्या हुआ, इतनी रात में फोन क्यों किया? पापा भी घर पर है? मैं फिलहाल टेरेस पर बैठा हूँ, मस्त हवा है और चांदनी रात, सोचा मूड बेटर करने के लिए तुमसे थोड़ी बात कर लूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कॉल करना बंद करो और जाके चुपचाप सो जाओ। नीचे आकर सोऊंगा तो तुम्हारे पापा भड़केंगे नहीं। मैं तुम्हारे टेरेस पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहा? तुम ऊपर आओगी या मैं नीचे आऊँ? क्यों आए हो यहाँ? पापा ने तुम्हें 2 महीने में पटाने का ऑर्डर दिया, इसीलिए आया हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। अपने पापा की छोड़ो, पहले मेरे पापा के बारे में सुनो। मेरे पापा ने मुझे हमेशा पूरी फ्रीडम दी है, जब पैसे मांगे तो ATM कार्ड दे दिया, फ्रेंड्स के साथ मूवी जाना था तो खुद टिकट ला के देते थे। माय डैड ऐसे खत्म हो गया है? बताओ प्यार कब करोगी, एक डेट बता दो। तुम्हारे साथ प्यार करने का मतलब है डैड की दी हुई फ्रीडम का गलत फायदा उठाना। लोगों को फ्रीडम मिलता है तो वो प्यार करते हैं, तुम्हें फ्रीडम मिल रही है तो प्यार नहीं करना, कैसी लड़की हो? तुम्हारी माँ क्या करती है? दिन भर सीरियल्स देखकर उल्टी पुल्टी बातें करती रहती हैं। ओह, मतलब फैमिली में सबकी हटी हुई है। बैठो ना, तुम कोई उनसे कम नहीं हो। समझने की कोशिश करो, मेरी माँ ने पनीर टिक्का और नान बनाए हैं, मैं बस खाने ही वाला था कि तुम्हारी याद आ गई। तुमने खाना खाया? नहीं। 11 बज गए और उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया? उन्हें बोलो मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखे। मैं जाके बोलूं आंटी? नहीं, मैं बोल दूंगी। क्या बोलोगी? कि तुमने मेरा ख्याल रखने को कहा है। किसका ख्याल? मेरा। जो चाहता हूँ वो बोलती ही नहीं है। मेरे दोस्त टाइम पास करने बाहर बस स्टॉप तक बुलाते तो भी मना कर देता हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं खाना छोड़कर आ गया हूँ, ये कोई काम है क्या? एक दिन जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा और मेरे दिल का हाल समझोगी तब तुम आई लव यू टू नहीं कहोगी, आई एम सॉरी कहोगी, मुझसे पूछोगी कैसे मैंने इन फीलिंग्स को संभाल कर रखा। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। फ्रेंड्स? मैं लव की बात कर रहा हूँ, तुम फ्रेंडशिप की पीपड़ी बजा रही हो। लव और फ्रेंडशिप में उतना ही फर्क है जितना एक कपल और सगे भाई बहन में होता है। हाँ, अगर तुम फ्रेंडशिप करने में इतनी इंटरेस्टेड हो तो जब शादी की गोल्डन जुबली होगी तब हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे, तब तक सिर्फ प्यार होगा। तुम ऊपर क्या कर रही हो? मैं समझ गया हूँ, तुम्हें नहीं तुम्हारे पापा को डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन क्यों? समझ जाओगे, इंतजार करो, ये बाबू कल तुम्हारे पापा की लाइफ में एंट्री मारने वाला है। बाय। रुको। असर हुआ? यहाँ से जाओ।
क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे टपक पड़े? हेलो सर, क्या हाल है? क्या चल रहा है? लव चल रहा है। क्या कहा लव? कुछ लोग सुधरते ही नहीं। कोई चांस ही नहीं है सर। आपका क्या चल रहा है? मेरा क्या चलेगा, बस वही लेक्चर्स। कुछ लोग सुधरते नहीं। तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था और मुझे एग्जाम्स में 95% मिले थे। बिना व्हाट्सएप और फेसबुक के इतने परसेंटेज लाना बच्चों का खेल है सर। तुम्हें समझाना, यानी आ बैल मुझे मार। बैल नहीं शेर, आपका फ्लोर आ गया। यहाँ लेक्चर देने आए हैं? मेरी बेटी यहाँ शॉपिंग कर रही है, उसे पिकअप करने। मेरी गर्लफ्रेंड भी यहाँ शॉपिंग कर रही है। तो तुम उसको शॉपिंग कराने यहाँ आए हो? नहीं, उसकी शॉपिंग हो जाएगी तो जरा सा टचिंग करने। बस बस निकलो यहाँ से। देख तो लो आपकी बेचारी बेटी दिखती कैसी है। आप चलिए सर। मैं भी रुकता हूँ, तुम्हारी अभागन गर्लफ्रेंड को देख लेता हूँ। अच्छा, बाबू जाओ यहाँ से, जाओ। मर गए। आपकी बेटी मुझे जाने को कह रही है, मैं जा रहा हूँ। पिटेगा बाबू। Oh my God, Daddy's day out. पापा, घूम के यहीं आना था। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। Hey, ऐसे लड़के को तुमने बॉयफ्रेंड बनाया, पहले बताया क्यों नहीं? चेक शर्ट वाले के बारे में बताया तो था। चेक शर्ट बताया था, पर उसका नाम नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप उसे पहले से जानते हो। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, मुझ जैसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर भी उसे कॉपी करते हुए रोक नहीं पाया। वो सरदर्द के बाम तक को सरदर्द दे सकता है। मुझे अगर पता होता ना कि अब तुम्हारी लाइफ में वो। तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? पापा। हेलो पापा, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? ये मेरी बेटी है। ये भी तो यही कह रही है ना। एक मिनट, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? एक्चुअली तुमने मुझे कहा ही क्यों? ए, सुनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। सवाल तो मेरी जिंदगी का भी है ना, मुझे अपनी जिंदगी मजाक नहीं बनानी है। हाँ, तो 25 साल तक मैंने इसे संभाल के रखा, अगले 6 महीनों में मैं इसकी शादी करने वाला हूँ। प्लीज मुझे टेंशन मत दो। जिस बेटी को आप 6 महीने में दूर करेंगे उसके बारे में इतना टेंशन हो रहा है? मुझे इसके साथ 60 साल बिताने हैं तो मुझे कितना टेंशन होगा? मतलब तुम कुछ भी कहोगे और मैं खामोश रहूंगा, हाथ पे हाथ धरे तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा? आप कॉलेज में मेरे लेक्चरर नहीं थे ससुर जी, सुपरवाइजर थे। और सुपरवाइजर वो होता है जो बस काम पर नजर रखे, टांग ना अड़ाए। यहाँ भी वही कीजिए, हम दोनों जो कर रहे हैं उस पर बस नजर रखिए। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? ये लीजिए मेरा वोटर कार्ड, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से बैठकर पढ़िए। हाँ, तो हम कहाँ थे? मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा दिखा के बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते हो हैं? देखो, मैंने अगर ये बात तुम्हारे बाप को बताई ना तो वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के तुम्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर देगा। अच्छा, कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, घर जाके आराम से मिलिए उन्हें। बाइक की चाबी।